आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप पाकिस्तान में से अब भारतीय नागरिक बन चुके हैं, पाकिस्तान छोड़ चुके थे कई सालों से, कहाँ रह रहे थे भारत में? मीठी में रह रहे थे, भारत में, भारत पालमपुर रह रहे थे पहले। अब कितने साल आपको यहाँ हो गए नागरिकता के बगैर रहते हुए? 10 साल हो गए हमें, 10 साल हो गए अभी नागरिकता मिल गई, अभी बहुत खुशी हो गई है हमको। और पिछले 10 सालों में अगर मैं आपसे बताऊं तो क्योंकि आपके पास भारत की नागरिकता नहीं थी तो क्या क्या दुविधा का आपको सामना करना पड़ता? ज्यादा तो कुछ भी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता था, इसके लिए सब अपने के सपोर्ट में ही थे। अच्छा। इसके लिए पूरी इंडियन टीम अपने सपोर्ट में ही थी इसके लिए। भारत से आपको अच्छा सपोर्ट मिला इसके लिए। मिला के आप लोग आज जब भारतीय नागरिक बने हैं तो पाकिस्तान में क्या क्या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती थी, आपको भारत क्यों आना पड़ा? पहले तो वो तो दिक्कतें कम थी, अभी तो ज्यादा बढ़ गई है दिक्कतें, किडनैपिंग, महंगाई, हर बात की अब तकलीफ बहुत हो गई है, पहले से अभी ज्यादा हो गया होगा। जब आपने सोचा था पाकिस्तान छोड़ देंगे तो क्यों सोचा था, क्या कुछ सोचा होगा? छोटे थे हम लोग, जब छोटे थे 14 साल के माता पिता इधर रहते हैं, बोलो इधर उनको आए हुए, माता पिता को 10 साल हुए आए हुए, इसको 8 साल के यहाँ भेजा था। एक बात अगर आपसे पूछूं, आपसे भी पूछें, अगर भारत की नागरिकता पाने के बाद आपको लगता है कि आपको और सुविधा मिलेगी भारत में या पहले से ही सुविधाएं मिल रही थी आपको? बहुत ज्यादा मिलेगी सुविधा, अभी बच्चे भी सेफ हो गए, हम भी सेफ हो गए, सब पाकिस्तान का नाम हट गया, इंडियन हो गए, ये तो बड़ी बात है। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, शी इज माई वाइफ, आई एम अ डॉक्टर। 2 साल पहले मुझे नागरिकता मिली थी, अभी इनको भी मिल गई है, अभी बच्चों को मिलेगी, उनका फ्यूचर जो है भविष्य अच्छा बनेगा, उनको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिलेगी। जब तक नागरिकता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में रहते थे तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? डॉक्टर था कराची में, मेरे क्लिनिक के आगे लोगों को मार के फेंके जाते थे, इतनी बड़ी सिस्टम है। 2014 में आया उस टाइम बहुत ब्लाइंड नाटक बहुत खराब था, अभी उससे भी ज़्यादा खराब है, तो इसलिए हम छोड़ के यहाँ आ गए। वहाँ तो डेली फोन करके घर पे पूछना पड़ता था कि बच्चे आए कि नहीं आए, यहाँ तो 5-5 दिन हम कहीं भी चले जाएं पूछते नहीं कि बच्चे सेफ हैं, स्कूल से आए कहीं से आए कोई टेंशन नहीं ये है। और वहाँ रिलीजियस के भी हम कहीं जा नहीं सकते थे, यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, इंडिपेंडेंट कहीं जा सकते हैं आ सकते हैं, मान लो बच्चे सेफ हैं, बच्चे सबसे ज्यादा। अभी लेट भी आए तो हमें टेंशन नहीं होती, फोन करते मम्मी 12 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, क्या ये टेंशन है, वहाँ सारा दिन टेंशन में रहे। अपने दवाखाने पे नाम भी पूरा नहीं, BL अखानी लिखा होता, बीलाल अखानी, यहाँ तो कोई पूछता है तो डॉक्टर भरत लाल ब्रह्मन शर्मा सब बताते, ये तरीके से। आप जो हिंदू हैं वहाँ पर, जो माइनॉरिटीज हैं, क्या वहाँ पर अहमदियों के साथ भी ऐसा ही होता है, जो वहाँ पे जैन रहते हैं उनके साथ? जो भी माइनॉरिटी है उनके साथ सब ऐसा ही सलूक रहता है, जो भी माइनॉरिटी है, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, कन्वर्ट कर देते हैं जबरदस्ती, इनको गन पॉइंट पे उठा के लेके जाते हैं। आपको भी कहा था कन्वर्ट करने के लिए? हमें कन्वर्ट करने लगा, लेकिन थ्रेट तो आते थे क्लिनिक पे, किडनैपिंग के, ये इसलिए हम बात किया। जैसे यहाँ भारत में आपने सीमा हैदर का नाम सुना होगा, न्यूज़ पे सारा दिन चलता है सारा दिन, तो सीमा हैदर जब पाकिस्तान से आई तो उन्होंने अपना धर्म हिंदू मान लिया, उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली जी, वो तो सुना था, सारा दिन चलती रहती टीवी पे सीमा, तो बहुत फेमस है। आपने सीमा हैदर के बारे में सुना होगा? इंडिया पे सुना है। मिले तो नहीं अभी, उनको भी नहीं मिली अभी तक नागरिकता, जब वो आई है यहाँ पर प्यार की तलाश में। अदनान समीम को मिली थी, मुस्लिम होके उसको मिली थी जल्दी वो, तो अब तो अक्षय कुमार जो कनाडा के सिटीजन से वो भी भारत के नागरिक मिल गए, उसको अभी मिली है 15 अगस्त को मिली है इंडिपेंडेंस। तो हर कोई आज भारत की नागरिकता चाहता है, आपको लगता है कि भारत देश वाकई में एक सुरक्षित देश है? बनने वाला है, नंबर 1 बनने वाला है, भारत की नागरिकता एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक, हम कोई ऑप्शन ही नहीं था ना हमारे पास, पाकिस्तान से ऑप्शन हम बस भारत ही है, एक ही कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ सन्यासी आ सकते हैं जा सकते हैं, जहाँ हमारा रिलीजियस सेव है, इसलिए सब लोग यहाँ आते हैं। ओके, अच्छा लगा सुनकर, करो हमको सबको यहाँ पे आना है, क्योंकि वो लोग सब देखते हैं, इनके 8 मामा हैं, 4 मामा आ चुके हैं, 4 मामा वहीं पे हैं, और वो आज भी कहते हैं कि हमको आना है, हमको आना है, और उनके भाई यहाँ पे लगे हुए हैं कि कुछ तरीका मिल जाए, कुछ तरीका मिल जाए और हमारे भाई यहाँ पे सेट हो जाए, क्योंकि वो लोग देखते हैं इन सब ने ही, मतलब जैसे मेरे ससुर जी ने, इसके मामा जी ने, सब ने यहाँ पे आके अच्छी तरक्की, अच्छी प्रगति कर ली इंडिया में आके,
सबने 10 सालों के अंदर काफी अच्छा अचीव कर लिया, तो वो लोग भी चाहते हैं हम भी एक सुखी जिंदगी जिए, सबकी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। और उधर आज तक लड़के भी समझो दुकान पे समझो अगर पैसे लेके बैठे हो या गोल्ड की चेन पहन के बैठे हो तो वहाँ पे समझो उसी टाइम शूट हो जाते हैं, वहाँ पे समझो आज भी वो लोग बताते हैं। और महंगाई तो पूरे विश्व को ही पता है कि वहाँ पे महंगाई तो कितनी हो रखी है, तो इस वजह से उन लोगों को ऐसा है कि नहीं हमको एक सिक्योर नेशन में जाना, और सिक्योर नेशन सबको पता है इंडियन जैसा सिक्योर नेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो हम इसी वजह से हम समझो यहाँ पे एक चीज़ अगर हम बोलते हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर सकती है जो वहाँ पे दिल से आना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। और बाकी आप इनसे पूछ लीजिए इनकी वहाँ की कहानियाँ। मैं जस्ट अभी पूछना चाह रही थी ये तो दामाद बन गए तो इन्होंने तो बीड़ा उठा लिया है आपके परिवार के लोगों को भी भारत लाना है। आप पाकिस्तान से थी और आपको लोग चिढ़ाते थे ये कह रहे हैं पाकिस्तानी, तो तब कैसा लगता था? बहुत मतलब कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यार मैं हिंदू की हूँ मैं पाकिस्तान में क्यों रहती हूँ। मतलब हिंदूज को ऐसे ट्रीट करते थे ना कि जैसे आतंकवादी हो ऐसा क्या टेररिस्ट हो, बट यहाँ पे इंडिया में आके बिल्कुल भी किसी के लिए भी ऐसा मतलब रिलीजनशिप में कुछ भी ऐसा नहीं भेदभाव, इंडियन हो या पाकिस्तान है पाकिस्तान जगह किसी भी कंट्री से हो यहाँ पे सभी इक्वल है वाले बन से बिल्कुल बिल्कुल तक था वो सिर्फ समझो महीना दो महीना जब तक ये लोग न्यू आए थे ना उसके बाद समझो सब समझ गए। देखो जब तक हम किसी से मिले जुले नहीं बात नहीं करें तो हमको भी ऐसा ही लगता है कि नहीं यार ये लोग भी ऐसे होंगे, बट फिर जैसे जैसे लोग जानने लगे पहचानने लगे सबको लगा नहीं यार ये लोग जेन्युइन हो गए और जेन्युइनली और सबने जैसे इनकी समझो तीन सिस्टर्स हैं और तीनों यार वेल सेटल्ड फैमिली में मैरिड है, मतलब समझो एक छोटी है यंगर है बाकी दो एल्डर सब अच्छी जगह पे फैमिली में मैरिड है और सभी लोग खुश हैं। तो समझो हम इसके लिए ही चाहते हैं कि जो फैमिली वहाँ से दिल से आना चाहते हैं तो वो लोग आए और यहाँ पे आके हमारे नेशन को और ज़्यादा प्राउड फील। एक बात बताइए आपकी शादी को अब कितने साल? 4 years और आज आपको भारत की नागरिकता मिल रही है शादी के 4 साल बाद। भारतीय तो आप तभी हो गई थी जब आपने इनसे शादी कर ली थी, ठीक है। सीवा हैदर और सचिन जैसी ये कहानियां पहले भी होती आ रही हैं भारत में, मैं सही कह? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम गदर पिक्चर देखने गए थे ना गदर 2 तो बोल गए ना सनी पाजी तो पाकिस्तान का दामाद है, तो मेरे ससुराल वाले मेरे को जो उधर बैठे ना अजमीर के मामा लगते वो भी बोलते हैं तू पाकिस्तान का दामाद है चिंता मत कर हमको यहाँ पे बुला ले, तो वो सब बताते ही है ऐसा। हाँ तो वो समझो सब मेरे को बोलते ही रहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, मैंने बोला पक्का हम यहाँ पे जब भी मैं पायल मैम से मिलता हूँ मैं एक बार मिला था मैंने तब भी उनको बोला था, अभी क्या वहाँ से पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में जब तक वो रिलीज नहीं करेंगे तब तक इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है और वहाँ के अभी फिलहाल गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने को रेडी नहीं है इस रिगार्डिंग, तो फिलहाल इस वजह से वो वहाँ पे स्टक नहीं है, बट वो काफ़ी दिल से चाहते हैं कि हम लोग इंडिया आए। लोग हैं पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हो वो एक जो डायलॉग बोलते हैं ना अगर एक बार इंडिया अलाउ कर दे और समझो आधा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, आधा नहीं 75% लोग यहाँ आएंगे, हिंदू तो एक भी नहीं बचेगा। मैं लिख के देता हूँ वहाँ पे जो लोग तरस रहे हैं ना इंडिया की, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इंडिया जो इस टाइम पे ग्रोथ लेवल पे है ना पूरा वर्ल्ड देख रहा है और वो लोग दिल से चाहते हैं कि हम यहाँ पे आके बसें और हम अपनी बेटियों का सुरक्षित रखें। सबसे बड़ी में बड़ी मैम आपको भी पता है लड़कियों के लिए सेफ्टी हर किसी की प्रायोरिटी और उधर बिल्कुल मैम बिल्कुल वहाँ पे जो मेन में मेन है ना कि लड़कियों के लिए वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं। यहाँ पे आप देखते हो लड़की इतनी IT सेक्टर्स में आगे हैं, आप देख रहे हो पॉलिटिक्स में भी इतनी आगे हैं, आपने देखा होगा कोई वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे लड़कियों के लिए। यहाँ पे रील्स देखते हैं लड़कियाँ पाकिस्तान से खूब सारी रील्स वगैरह बनाती हैं, तो क्या वहाँ पे अब डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है? मैम ठीक है कुछ कुछ इलाकों में होगा ऐसा नहीं बोलते हैं क्योंकि इसकी फ्रेंड्स हैं जिनसे आज भी हमारी बातचीत होती है तो वो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स लोग ठीक है आज भी वो लोग वो इतना नहीं बोलते हैं, बट ठीक है जो जैसे हिंदू कम्युनिटी है तो आपकी बातचीत होती है उनसे, क्या वो क्या कह रहे हैं आपको भारतीय नागरिकता मिल गई है? ये बोलती है इंग्लिश में सब सिर्फ जस्ट शो ऑफ है, बस ये हमको पता है वहाँ पे कैसे रहना है ऐसा, अब एक एक दिन निकालना भी ना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं उसके से। आप लोग भी मैम कराची के आसपास ही रहते हैं? कराची में ही। एक्चुअली वहाँ पे मैम कैसा है जिसके पास पैसा है तो ठीक है, पैसा है तो भी डर तो है कि कभी भी तुम खत्म हो जाओगे, बट जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वहाँ पे समझो आपको पता है आटा वहाँ पे बीच में टमाटर 400-500 किलो आटा तो 200 रुपये किलो नॉर्मल है वहाँ पे हर एक चीज़, तो वो लोग समझो जो मिडिल क्लास फैमिली है ना वो सर्वाइव करने के लिए इस टाइम पे समझो उसका गला है और वहाँ पे कमाई इतना आसान तरीका नहीं है, उधर आप कमाने के तरीके ढूंढोगे आपको खत्म कर देंगे ऐसा है, और जिसके पास पैसा है उनको भी टेंशन है
और उधर में हथियार वथियार तो बहुत नॉर्मल है, मतलब वहाँ पे हर कोई अपने घर पे रिवॉल्वर राइफल तो रखता ही है, ऐसा नॉर्मल है। ठीक है, हाँ अपनी सेफ्टी के लिए समझ लो यार, बस कुछ ही उधर तो समझो कैसा है, कुछ भी कर सकते हैं, उधर की सरकार को कैसा नहीं है क्या जिनसे बात कर रही हूँ इस वक्त वो बहुत ही खुश लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैम को तो अभी अभी भारतीय नागरिकता मिली है और जो सर है यहाँ पर ये दामाद है पाकिस्तान के, जैसे इनके परिवार को कहता है, बट ये बहुत ही अच्छी बात है कि कई ऐसे हिंदू नागरिक जो पाकिस्तान में सेफ नहीं फील करते भारत उनको नागरिकता दे रही है। लेकिन देखना ये होगा कि और भी जो समुदाय हैं जैसे वहाँ के अहमदियाँ हैं, अगर वो भी आप कह रहे हैं अनसेफ फील करते हैं, या जैन हैं या ईसाई हैं, क्या भारत उनको भी इस तरीके की नागरिकता देगी? लेकिन आपकी जो लव स्टोरी है वो मुझे देखकर आज सीमा और सचिन हैदर के प्रेम कहानी की भी याद आ गई, जिसको मिलियंस जो लोग हैं वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और टीवी पर। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सीमा हैदर से पहले भी ऐसी क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान और भारत की प्रेम कहानियाँ होती रही हैं। पाकिस्तान से जी, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से जी। तो आप कितने साल पहले आ गई थी, तो आपको आपको याद है पाकिस्तान के बारे में कुछ, वहाँ क्या होता? बहुत छोटे बच्चे थे हम, तो हमारी फैमिली ने प्लान किया और हम यहाँ पे आ गए, बहुत छोटे थे। अभी मैं डॉक्टर हूँ खुद, तो जी हाँ, अब मैं अहमदाबाद में हर्ष डेंटल कैंप पे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं बहुत हैप्पी लाइफ जी रही हूँ जी। आपके लिए ये अच्छा रहा कि आपको भारत की नागरिकता वक्त पर मिल गई? ऐसे कई लोग हैं जिनको अभी तक नहीं मिल पाई है, और क्या आपको लगता है कि भारत में आपका भविष्य बेहतर है, पाकिस्तान में नहीं था? जिस तरीके से आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था पाकिस्तान में जो आपको याद हो, जो तकलीफ दे था? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, हम बच्चे थे बट बहुत स्ट्रगल थी, बाहर से घर से बाहर निकलते नहीं थे, सेफ नहीं था, बट अब हम यहाँ पे आ गए, हम इजीली मतलब अच्छे से जी रहे हैं। पेरेंट्स क्या कहते थे? बाहर नहीं निकलना बेटा, बाहर नहीं निकलना। और अब इधर हम खुशी से घूम रहे हैं, डॉक्टर की मैंने अपनी डिग्री ले ली, लाइक अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, खुद का क्लिनिक वगैरह है। तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग्स रूबी ठाकुर चैनल। अभी आप देखिए पाकिस्तान से आए 108 हिंदुओं को नागरिकता मिली। ये जो आप देख रहे हैं जिसकी पिक्चर, ये लोग 6-7 साल पहले हिंदुस्तान आए थे, भारत आए थे, ये लड़की और ये इसका हस्बैंड दिख रहा है, इन्होंने यहाँ आके शादी किया। इसके पिताजी और इसके चार भाई जो हैं यहाँ पर आ गए थे, पापा के, इसके पिताजी के, पापा के चार भाई यहाँ पर आ गए थे लड़की के, और चार जो है वहाँ पर इसके रिश्तेदार और भी बाकी रिश्तेदार सब पाकिस्तान में हैं, वो आने में यहाँ असफल हो रहे हैं, बट अभी खुशी की बात है कि इनको नागरिकता मिल गया और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ये तीन बहन है, तीनों की शादी यहाँ आने के बाद इसके पिताजी ने हिंदुस्तान के लड़कों से किया, तो वैसे इनको तो मिल जाता बट अभी देखिए। मैंने इनसे फ्रेंडशिप की और फ्रेंडशिप कब लव में बदल गई हमको पता ही नहीं चला। हाँ, और ये जैसे बता देते ना तो मुझे आज भी इनके जैसे इसके पूरे मामा वगैरह वहीं के, मेरी उनसे बात होती है, वो मेरे को बोलते हैं हम चाह के भी वहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि अब शायद वहाँ पे उनकी सरकार ऐसी हो चुकी है ना, वो इंडियंस को परिवार है। क्या उन्होंने अप्लाई किया है सिटीजनशिप के लिए? काफी लोगों ने ट्राई किया है, एक दो फैमिली आई और धीरे धीरे बस हम यही प्रे करते हैं कि फटाफट से गवर्नमेंट ऐसी सुविधा करे जिससे जल्दी से हमारी फैमिली हमारे साथ हो, खुशी से रह सके, वहाँ डर डर के जो जी रहे हैं वो सब यहाँ शिफ्ट हो जाए। आपका नाम बता? मैं डॉक्टर वर्षा महेश्वरी। वर्षा, ठीक। किस तरह देखिए व्यूअर, आपको मैंने दिखाया कि 108 पाकिस्तानी नागरिक को भारत की नागरिकता मिली अहमदाबाद में। आप दिखा रहे हैं अहमदाबाद से है। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।